Hey, the company not on the top. It's not. लेकिन इसके आगे वो कुछ भी नहीं है. ये बहुत ज्यादा मत देखिए. क्यों मत रखता हूँ? हाँ जी. अलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे. अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. अच्छा जी, आज मेरे काफ़ी ज़्यादा प्लान थे, लेकिन एक टेलर का जवाब देने की वजह से भी मेरे सारे प्लान हो गए हैं ख़राब. क्योंकि मैंने पहले रहमान प्लाजा जाना था, मैंने सोचा हुआ था कि पहले उधर जाऊँगी, टेलर से कपड़े लेने भी हैं, उनसे उनको देने भी हैं, और मैंने जाना था अलफतेह पे जाना था, वहाँ पे मुझे एक काम था. अच्छा, मैंने जर्मन जाना है, वहाँ से मैंने शूज़ देखने हैं. अच्छा, ये वाले मैं अपने शूज़ लेकर आई थी, ये वाले अभी ये जरा मैले हुए हैं, नीचे फर्श भी मेरा गंदा हो गया. अच्छा, ये ना अम्मी को बहुत ज्यादा पसंद आया है, ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही ज्यादा ना इजी है. तो और मेरी अम्मी का और मेरे पाँव का जो है ना साइज वो तकरीबन एक ही है. तो अम्मी ने कहा था कि भाई मेरे से ना बार बार मतलब जाया नहीं जाता है बाहर. आगे भी अम्मी राजदा के साथ एक दो दफा गई हैं तो फिर थक जाती हैं, बीमार हो जाती हैं. तो अम्मी कहती है कि भाई ना ऐसे करो कि भाई ना मैं कभी कभी अपनी अम्मी के लिए मतलब साहब की अम्मी के लिए भी ना ऐसे ही शूज ले आती हूँ, जो मुझे थोड़ा सा टाइट होता है ना वो इनको भी पूरा होता है और वो उनको भी मेरी अम्मी को भी पूरा होता है. तो मैंने जी अपनी अम्मी के लिए मुझे शूज लेने हैं, फिर मेरा दिल है लेके, तो फिर उधर जाऊंगी. आप देखती हूँ जो जो काम होते जाएंगे वो सारे आपके साथ शेयर करती जाऊंगी. आज ही आमना सबसे पहले तो ये मेरे साथ नाराज, मैं पहले उसका क्लिप आपके साथ शेयर करती हूँ, उसके बाद जो छोटे मोटे क्लिप शूट करती जाऊंगी आपके साथ जी शेयर करती जाऊंगी. तो जी आपने वीडियो में मेरे साथ रहना. अमना का जी नाराज़ होने वाला क्लिप मैं बाद में आपके साथ शेयर करती हूँ. यहाँ पे भी है नाराज, लेकिन बाद में मैं आपको वो दिखाती हूँ. अमना के जी बाल मैंने हेयर ड्रायर के साथ अच्छी तरह ड्राई कर लिए हैं, हल्का सा ऑयल लगा लिया था. और अच्छा, आपको पता है कितनी ज़्यादा सर्दी है, बच्चों को शावर दें तो उनके हाथ बर्फ़ की तरह ठंडे हुए हुए होते हैं. तो ये जी हेयर ड्रायर के साथ ही मैं इनके हाथ इस तरह से गर्म कर लेती हूँ, इनके पूरे कपड़ों के ऊपर ना. अभी तो इसने कोट पहना हुआ है, तो इस तरह से ना हल्का हल्का सा ना लगा लेती हूँ हेयर ड्रायर. इससे ना बच्चों के ना जो एकदम से जो सर्दी लग रही होती है ना वो ख़त्म होती है. अच्छा, बेशक टॉवल में आपके बाल लपेटे हुए भी हैं, फिर भी पीछे से चाहे बैन है चाहे कमीज़ के पीछे से बैक है ना, वो गीली हो जाती है. और वहाँ पे भी मैं हल्का सा इस तरह से ड्रायर लगा लेती हूँ टांगों के ऊपर, पाँव के ऊपर. अच्छा, इनको शावर देती हूँ तो मेरे अपने पाँव बर्फ़ की तरह जम जाते हैं, तो मैं अपने पाँव पे भी हेयर ड्रायर लगा लेती हूँ. ये जी अंडे बॉईल होने के लिए रखे थे, ये बॉईल हो चुके हैं. अब बनाने जा रही हूँ रोटी, और मलक साहब के लिए तो बनाऊंगी ये गुड़ वाली बाजरे वाली रोटी. इसका मैंने अभी आटा गूंदा था, इसकी छोटी सी रेसिपी है, आपको भी अभी बता देती हूँ कि मैंने आटा कैसे गूंदा है. ठीक है, इसकी रोटी बनाऊंगी, और साथ ही मैं ये आज मैंने खाने में बनाया है चिकन और आलू शोरबे वाला, और साथ में दही निकाली है क्योंकि ये मलक साहब ने बाजरे वाली रोटी खानी है, और ये साथ में जी आटा गूंदा हुआ रोटियाँ बनाऊंगी. ठीक है, तो अभी बस खाना शाना बनने लगा है, और ये जी चाय भी बन चुकी है. तो चलें अब खाना बना के ना, तो फिर मैं आपके साथ ना ऐसे करती हूँ, पहले ना आपको इसकी रेसिपी बता देती हूँ, आप इसकी रेसिपी देख लें. खाली जी पैन मैंने ले लिया है, और इसके अंदर मैं शामिल करने जा रही हूँ एक कप पानी का. इसी के अंदर हमने गुड़ मेल्ट करना है, और इसी के साथ ही हमने बाजरे का आटा गूंदना है. ठीक है, यहाँ पे जी 2 कप मैंने ले लिया है बाजरे का आटा, और 1/2 कप मैंने ले लिया है गंदम का आटा. और इसको फिर बनाना कैसे है वो फिर मैं आपको बताती हूँ. और 3 पिन्नी मैंने ले ली हैं गुड़ की, और इनको मैंने मोटा मोटा इस तरह से कूट लिया है, और पानी गर्म हो चुका है, और इसके अंदर जी ये मैं गुड़ डाल दूंगी. पहले मैंने थोड़ा सा गुड़ बचाया था, लेकिन मैंने फिर बीच में वो डाल दिया था, क्योंकि पिछली दफ़ा भी थोड़ी सी फीकी बनी थी रोटी, और फीकी बनी हुई और रोटी तो मलक साहब को वो अच्छी नहीं लगती है. तो मैंने कहा चलें फिर पिसा हुआ तो वैसे है तो बीच में शामिल ही कर देती हूँ. अब जी ये इसको हमने कर लेना है बहुत अच्छे से मेल्ट, और पकाना शकाना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ हमने इसको मेल्ट करना है, और साथ साथ में हिलाते जाएंगे और ये मेल्ट हो जाएगा. अब हमने इसको अच्छे से कर लेना है ठंडा. ठंडा कर लेने के बाद इसको हम छान लेंगे, और आटा किस तरह से गूंदना मैं आपको बता देती हूँ. ये जी 2 कप हमने लिया था बाजरे का आटा, और इसके अंदर 1/2 कप हमने डाल दिया है सिंपल गंदम का आटा. इसको हमने अच्छे से कर लेना है मिक्स. इसके अंदर मैं तीसरी कोई चीज़ नहीं डालती हूँ, अगर आप डालना चाहते हैं तो इलायची का पाउडर डाल सकते हैं, और एज़ अ फ्लेवर के लिए, खुशबू के लिए. ठीक है, अच्छे से मिक्स हो चुका है,
और हमने ये जी शीरे को छान लिया है और इसको हम आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स करते जाएंगे और साथ साथ में जी इसको हम गूंथते जाएंगे, ठीक है। एकदम से इकट्ठा आपने नहीं बीच में डाल देना है कि बहुत ज़्यादा मतलब पतला ना हो जाए, पता है पानी ऊपर नीचे हो जाता है बंदे का, तो आपने आहिस्ता आहिस्ता से बीच में शामिल करते जाना है और साथ साथ में जी इसको मिक्स करते जाना है। बहुत ही ज़्यादा ये लजीज, बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है और एक हेल्दी वे में आ जाती है, मतलब गुड़ भी हेल्थ के लिए अच्छा ही होता है और साथ ही में बाजरा भी अच्छा होता है, तो सर्दियों में इस तरह की चीज़ें मैं लाजमी बनाती रहती हूँ। ये जी देखें, अच्छा ये जो आटा है थोड़ा सा ये ढीला गूंदा जाता है और उसके बाद ना ये सक कर लेता है पानी को, इसलिए ना इसकी आपने इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। अगर आपको ये लग रहा है ना कि ये मैंने यहाँ पर ढीला कर दिया, तकरीबन आधे घंटे के बाद ये पानी बीच में से सक कर लेगा और ये थोड़ा सा ना ऐसे हार्ड आराम से हो जाएगा। मैं आपको फिर वो फॉर्म दिखाती हूँ इसकी। और ये जी बस हम गूंद के तो इसको रख लेंगे साइड पे और आधे घंटे के बाद इसकी रोटी किस तरह से बनानी है वो मैं फिर आपको बता देती हूँ। मामा की जान कौन है? मामा की जान कौन है? मामा की जान कौन है? अच्छा नाराज़ क्यों हो? क्या हुआ? ये देखो सारे बाल खराब कर दिए, अभी मैंने आपके बाल बंद किए। अच्छा नाराज़ क्यों हो? क्या हुआ? क्या हुआ है? It's not the monster that's with her. It's not that. It's not. It's not. It's not. मानो मेरी स्वेटर फटी ना, मैं मोटी हूँ, मजे तेरे छड़ना कोई नहीं। It's not. अच्छा अच्छा मेरी बात सुनो। Not. मेकअप नहीं ना करने दिया। It's not. ये इसकी देखे ना ये सारे, ये इसने आगे क्रीम में मल मल के मुंह के ऊपर, और इसका मैंने अभी इसको शावर दिया और इसका फेस मैंने वॉश किया और ये फिर कह रही थी कि मैंने मेकअप करना है और मैंने इसको मेकअप नहीं करने दिया और ये मेरे से नाराज हुई है मोटी। हैं स्किन खराब हो जाएगी, दाने निकल आएंगे। देखो कितनी प्यारी स्किन है आपकी, इतनी हेल्दी स्किन है आपकी, कितने पाले लाग लियो आप। मामा की छान हो ना, मामा की छान हो ना। तो आप तो मामा को ढील लेना, रोटी पकाने में इंतजार कर रहे हैं। क्या हो रहा है? हम सुखन वफा का तकाजा ही है अब यही, मैं अपने हाथ काट लूं तू भी अपने होंठ से। भाई बिल्कुल हमारे लिए, जब भी आप कुछ गलत होते हुए देखते हैं और आपको लगता है कि बहुत गलत है और जब आप वो गलत करें तो वो सब जो है बर्बादी छा जाती है, फिर आपका भी दिल करता है कि मैं भी इन लोगों को थोड़ा छेड़ूं, तो फिर ऑब्वियसली आपका वो उस लेवल पे आप नहीं जा सकते। देन यू हैव टू डू दिस, हाथ काट लें, होंठ सी लें, आंखें बंद कर लें और साइड से। भाई जान बिल्कुल मेरे और नासिर काजमी मामा आपके भाई थे और उन्होंने बहुत अच्छी बात की और सारी गजलें बहुत आसान है सिवाय अलामत। मुझे आइडिया नहीं था कि कोई गजल भी, पिछले साल जो सबसे मुश्किल गजल थी ना वो आई हुई थी, मतलब वो आई थिंक सो लास्ट गजलों में से एक गजल आई हुई थी, लेकिन वो भी इतनी मुश्किल नहीं थी। ये शायद पढ़ी है इतनी मुश्किल है, मतलब मैंने इतनी अच्छी तरह इस दफा कोई गजल याद नहीं की, तो उनकी बारी है तो ये अच्छी खासी मुश्किल कदर से यहाँ पे बैठ के पढ़ी है। और मेरी वो शर्ट किचन में काम कर रही थी तो गीले हो गए थे कपड़े, फिर चेंज किए हैं और बाहर भी जाना है, मैंने कहा चलें एक दफ़ा चेंज कर लेती हूँ। अम्मी जी सो गई हैं, पहले बैठी रही हैं, इधर हीटर वगैरह चलाया हुआ था तो सेक रही थी, फिर अब हीटर मैंने थोड़ी देर बंद कर दिया। और ये जी इब्राहिम ने अपना माल यहाँ पर फैलाया हुआ है और वो किचन के आगे जाके बैठा हुआ है, पता नहीं वहाँ पर क्या कर रहा है, मुझे नहीं समझ आ रही। और अमना वो नाराज होके खड़ी है, मुझे आज मेकअप नहीं मामा ने करने दिया। अच्छा इब्राहिम की एक निशानी है कि जब उसको भूख लगती है ना वो किचन के इर्द गिर्द फिरना शुरू कर देता है। आपने देखा नॉन स्टॉप वो किचन के दरवाजे के आगे बैठा हुआ था कि मामा रोटी बनाए। अच्छा उसने कहना नहीं है, उसने बिल्कुल अपने पापा की तरह कहना नहीं है, लेकिन वो ना किचन के आगे से हटेगा नहीं कि भाई ना मामा मेरे लिए रोटी बनाए। तो इब्राहिम के लिए जी सबसे पहले मैं रोटी बना रही थी, उसको काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी, पराठा बना रही हूँ उसके लिए और वो माशाल्लाह से पराठा ही खाता है शौक से, और चिकन आलू भी माशाल्लाह बहुत शौक से खा लेते हैं आमना इब्राहिम दोनों, उनके लिए ये जी बड़ा सा पराठा एक ही बना देती हूँ तो शाम का टाइम है और उनके लिए काफ़ी हो जाएगा। बस ये उनके लिए रोटी बनाऊँगी, अम्मी के लिए सिंपल रोटी बनाऊँगी और दो बाजरे की रोटी बना दूँगी ना,
जिस जिसने जो जो खानी होगी तो वो खा लेंगे। और शाम का तो यही है अभी फ़िलहाल तो मेरा प्रोग्राम के अब बच्चों को खाने छाने से फारिग होके तो फिर बाहर जाऊंगी, बच्चों को नहीं लेकर जाऊंगी, बच्चे घर में ही रहेंगे, अम्मी भी घर पे ही होंगी, क्योंकि ना एक तो ठंड भी बहुत ज़्यादा है और दूसरा बच्चों ने सुबह कॉलेज स्कूल जाना है, मुकद्दस अपना पीछे से अपना पढ़ाई वगैरह का काम ख़त्म कर लेगी और साथ में आमना इब्राहिम को देख ही रखेगी। अब आमना इब्राहिम माशाल्लाह से इतना तंग नहीं करते हैं। बच्चों के लिए जी पराठा बन चुका है और अब बाकी साहब के लिए भी रोटी बना लूँगी और मलिक साहब के लिए जी बनाने जा रही हूँ बाजरे की रोटी। और नॉर्मल सा हम इसका पेड़ा ले लेंगे कुछ देर के बाद जी, कुछ इस तरह की फॉर्म में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा आपने हार्ड भी नहीं गूंदना है आटा, बहुत ज़्यादा आपने ढीला भी नहीं गूंदना, नॉर्मल सा गूंद के आप रखेंगे। और ये जी बिल्कुल छोटा सा हम पेड़ा इस तरह से बना के और हाथों के ऊपर इस तरह से फैला लेंगे, ठीक है। और ये गुड़ है क्योंकि ये हाथों के साथ बहुत ज़्यादा चिपकता है, ठीक है। और घी हमने देसी डाल लिया है तवे पे, आप मक्खन भी ले सकते हैं, ऑयल भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद है आप वो ले सकते हैं। और आहिस्ता से जी ये हम ऊपर रख देंगे। अच्छा, इस रोटी की मैं आपको एक बात बता दूँ, एक तो ये बहुत जल्दी मतलब कि पकती भी है क्योंकि गुड़ होता है घी के अंदर जब जाता है ना तो वो फ़ौरन से डार्क हो जाता है, और एक ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी बनती है, ये बहुत जल्दी टूटती है, इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने फ्लेम बंद कर दिया था क्योंकि इसके किनारे देखें डार्क हो भी गए थे, अभी मैं डालती गई थी तवा बहुत ज़्यादा गर्म था इसलिए ये थोड़ी सी डार्क हो गई और मैंने फ्लेम बंद कर दिया है। अब मैंने कहा चलें एक दफ़ा ये थोड़ी थोड़ी सी यहाँ से पक जाए दोनों साइड से, तो फिर ना इनके साइड चेंज कर लूँगी। जितना पैन केक का साइज़ होता है उस साइज़ के मैंने ये जी दो बना लिए हैं। मलिक साहब कह रहे थे मेरा कुछ इतना ज़्यादा खाने को दिल नहीं है, लेकिन मैंने उनको जब बताया कि मैं बाजरे की रोटी बना रही हूँ तो कहते हैं कि ठीक है फिर वो तो मैं खा ही लूँगा, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, ख़ास तौर में सर्दियों में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा, एक साइड से ये पक चुकी है, बड़े आराम से आपको मैंने दिखाया है कि किस तरह से मैंने तवे के ऊपर से इसको उतारा है, और ये जी अब इसकी ये साइड चेंज हो गई है। जब भी आपने मकई की रोटी बनानी है, जब भी आपने बाजरे की रोटी बनानी है, तो उसकी आपने साइड ऐसे ही चेंज करनी है। कोई भी तरीका इस तरह का नहीं है कि आप चिमटे के साथ बाजरे की या मकई की रोटी उल्टी कर सकें, ठीक है। जब वो दूसरी साइड से पक जाती है तो आप मकई की उल्टी कर सकते हैं, लेकिन ये इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होती है कि आप इसको चिमटे की मदद से दूसरी साइड से भी पकने के बाद नहीं कर सकते हैं, ये टूट जाती है। ये गुड़ के साथ बनती है और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, ठीक है। और अब जी हम हल्का हल्का सा दोनों साइड से इसको भी सेक लेंगे और उसके बाद मैं इसकी ना फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। अच्छा, आजकल जैसे कि ठंड बहुत ज़्यादा है और हम सब के गले ख़राब हो जाते हैं मक्खन की वजह से, अब मैं बिल्कुल भी अपने घर में मक्खन नहीं रखती क्योंकि ना दो दफ़ा मलिक साहब का गला ख़राब हो चुका है मक्खन की वजह से, तो अब मैंने वो उनको तो बहुत ज़्यादा पसंद है लेकिन मैं नहीं उनको देती हूँ, मैं कहती हूँ फिर आपका गला ख़राब हो जाता है, फिर आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो ये जी हमारी फाइनल रोटी तैयार हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा लजीज, बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। मुझे तो चाय के साथ अच्छी लगती है लेकिन मलिक साहब जी साथ में दही लेते हैं और अम्मी भी, और देखते हैं अगर अम्मी ने लेनी हुई तो थोड़ी सी ले लेंगी, लेकिन उनका ज़रा शुगर का भी इशू है। मैंने जी अपनी रोटी बनाई हुई है लेकिन इसके आगे वो कुछ भी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा मज़े। दादों को बाजरे की रोटी मतलब पसंद नहीं है ना, सेंस के वो थोड़ा कोर्स होता है, थोड़ा मोटा ग्रेनी होता है, इसलिए टैबलेट भी पकड़ा हुआ है, कार्टून्स भी देख रही है, आराम से खाना खा रही है, देती हूँ लेकिन वो पढ़ लेकिन क्या नाराज है हम, और मेरी बर्थडे के बैलून्स अभी तक लगे हुए हैं गोल्डन 18th। अभी मेरी बर्थडे होनी है, हुआ ये है कि पेपर्स आगे हो गए हैं 3-4 दिन और मेरी बर्थडे मतलब पेपर्स में नहीं आ रही, और मुझे लिटरली इस वक्त अफसोस हो रहा है कि हमने पहले सेलिब्रेट कर ली। बर्थडे वाले दिन सेलिब्रेट होनी चाहिए जी। खाना शाना खाते काफी ज्यादा देर हो गई थी, गुड़ वाली रोटी की छोटी मोटी सी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। अच्छा, आपने ये नहीं कहना कि ये रोटी जल गई है, ये गुड़ इसमें डाला हुआ होता है तो ये इसी तरह से हो जाती है, ठीक है। एक मैंने लाइट भी आपको बना के दिखाई है, दूसरी थोड़ी सी डार्क हो गई थी लेकिन इसके टेस्ट में कोई फर्क नहीं आता है। और बस ये खाना वगैरह खाते खाते 9:15 बज गए थे, जब गए हैं आगे तो सिलेंडर पहले भरवाने वाला था, वो जी हमने एक शॉप पे गए हैं वो भी बंद थी, आगे गए हैं वो भी बंद थी, फिर हम बाजार गए हैं वहां से वो भरवाया, वापस आते आते रहमान प्लाजा भी बंद हो गया था, काफी सारी शॉप बंद थी।
और टेलर ने तो वैसे जवाब दे दिया था, उधर हम गए ही नहीं है, एक दो मेरे काम थे। फिर अलफते पे आए हैं, बस वहां पे भी काम नहीं हुआ, इसलिए मैंने क्लिपिंग को भी वहां पे शूट किया है। इंशाल्लाह फिर जब जो मेरा काम था वो जब मेरा हो जाएगा तो इंशाल्लाह आपके साथ भी वो फिर मैं शेयर कर दूंगी। तो चले जी, उम्मीद करती हूँ कि आज का मेरा छोटा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।